देखो भरत शब्द की बड़ी महिमा है। ये भरत नाम जहां पर भी आया है उसकी बड़ी परिभाषा बताई गई है। भागवत में भरत के लिए कहा गया है भरतर्षभः महायोगी। भरत एक महायोगी थे, भागवत में भरत है। रामचरितमानस में भी एक भरत है जिनकी महिमा किसी से छुपी नहीं। उन भरत जी के लिए गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं भरत महा महिमा जल राशी मुनिमति तीर ठाढ़ी अबलास। समुद्र की गहराई को पाना कठिन है लेकिन एक बार पाया जा सकता है। समुद्र की गहराई को पाया जा सकता है पर भरत के हृदय की गहराई को पाते पाते गुरु वशिष्ठ जैसे ज्ञानियों की बुद्धि काम करना बंद करती है और किनारे पर आकर के खड़ी हो जाती। भरत महा महिमा जल राशी मुनिमति तीर ठाढ़ी अबलासी। एक अबला की तरह किनारे पर आकर के खड़ी हो जाती। भरत शब्द की बड़ी महिमा है। भागवत के भरत, मानस के भरत और एक भरत हुए हैं कालिदास जी द्वारा रचित नाटक शाकुंतलम के भरत, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के लिए तो कहा जाता है, कालिदास जी ग्रंथ में शाकुंतलम ग्रंथ में लिखते हैं कि जब ये बालक 5 वर्ष का था तो ये शेर से कहता था सिंहस्य प्रस्थान आरोहति, बैठ मुझे तेरी पीठ पर बैठना है। ये शेर से कहता था सिंहान दंतान मणयति, अपना मुंह खोल मुझे तेरे दांतों को गिनना है। ऐसे वीर भरत के नाम से हमारे देश का नाम पड़ गया भारत। पहले हमारे देश का नाम था आर्यावर्त, अजनाभ वर्ष, लेकिन जब भरत हुए तो हमारा देश हो गया भारत वर्ष। भरत शब्द की महिमा। भरत किसे कहते हैं? भा का अर्थ होता है भक्ति में, रा का अर्थ होता है रत होना लगना, ता का अर्थ है तम, तम मतलब अंधकार। जिसने भक्ति में लगकर के जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिया हो उसको कहते हैं भरत। भरत किसे कहते हैं? भा मतलब भवसागर से, रा मतलब राम नाम को, ता मतलब तरणी, तरणी मतलब नौका, नौका मतलब नाविका। जिसने भवसागर से पार होने के लिए राम नाम को नौका बना लिया हो उसको कहते हैं भरत। भरत शब्द की बड़ी महिमा है भैया। चाहे वो भागवत के जड़ भरत हो, चाहे रामचरितमानस के दशरथ नंदन केकई पुत्र भरत हो, और चाहे कालिदास जी द्वारा रचित शाकुंतलम ग्रंथ के भरत हो, भरत शब्द की महिमा है।